हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। टुडे वी आर हियर विद द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5th। नेम ऑफ द चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड अबाउट द एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। यू आर वेल अवेयर दैट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। ओके, तो क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर क्या होते हैं, एंड आपने ये भी पढ़ा है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। ओके, तो टिल नाउ 118 एलिमेंट्स, ओके, अभी तक 118 एलिमेंट्स क्या हुए हैं हमें पता है। आउट ऑफ दिस एलिमेंट्स, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, 94 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग। ओके, नाउ एज डिफरेंट एलिमेंट्स वेर बींग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड इंफॉर्मेशन एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रॉपर्टीज। ओके, जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए वैसे वैसे साइंटिस्ट लोग क्या करते गए कि उनकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करते गए। ओके, अब जैसे जैसे प्रॉपर्टीज को स्टडी करते गए वैसे वैसे उनके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होते गए, और इस इंफॉर्मेशन की वजह से इनके पास क्या हो गया, एक चाउस क्रिएट हो गया। ओके, इनके पास एक चाउस क्रिएट हुआ, दैट इज प्रॉब्लम ये हो गया कि इतनी इंफॉर्मेशन है तो उनको हम कैसे प्रॉपर एक इसमें रख सकें। ओके, तो मेकिंग ऑर्डर्स आउट ऑफ चाउस, अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए और उनको एक सिक्वेंस में कैसे रखेंगे ये उनके ऊपर टेंशन आ गया। तो आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि शॉप में जब आप जाते हो या फिर किसी मॉल में जाते हो तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, हर चीज को एक प्रॉपर वे में रखा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दुकान में भी जाओगे तो साबुन, इफ आई आस्क अबाउट सोप, ओके एग्जांपल ले लो, सोप शॉप में गए हो और सोप है, तो वहां पर जो सोप है, सोप मतलब साबुन, ओके, तो ये जो सोप्स हैं ये एक जगह पर रखा होगा, उन्होंने बिस्किट्स एक जगह पर रखे होंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सोप्स ओनली, तो अब साबुन दो टाइप के होते हैं, क्लॉथ के होते हैं और एक बॉडी का होता है, ओके, मतलब नहाने का साबुन और एक कपड़ों का साबुन। तो शॉपकीपर क्या करता है कि बेदिंग सोप्स जो होता है उसको अलग साइड रखता है और जो वॉशिंग सोप होते हैं उनको अलग जगह पर रखते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका थोड़ा सा बर्डन जो है आइडेंटिफिकेशन का कम हो जाता है। सो सेम वाइज, जैसे जैसे बर्डन बढ़ते गया, साइंटिस्ट लोगों को लगा कि हम इस टेंशन को कैसे कर सकते हैं, हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देन दे स्टार्टेड डिफरेंट अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स। ओके, इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट अटेम्प्ट किया, और उन्होंने जो अलग अलग अटेम्प्ट किए तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑब्टेन ऑर्डरली अरेंजमेंट आउट ऑफ द चॉइस। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे क्लास एलिमेंट्स क्लासिफाई होते गए और उनकी प्रॉपर्टी जैसे जैसे पता चलती गए, उनको उस अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे मेन जो क्लासिफिकेशन हुआ वो हुआ है मेटल एंड नॉन मेटल, जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हुआ तो वो एज अ मेटल एंड नॉन मेटल हुआ, एंड लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वेर डन। ठीक है, तो जब एलिमेंट्स फाइंड हुए और उनका क्लासिफिकेशन हुआ, मतलब उनका ग्रुपिंग हुआ कि कौन सा किस ग्रुप में रहेगा, तो दो ग्रुप बने इनिशियली, एक था मेटल और दूसरा था नॉन मेटल। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन करने के लिए ट्राई किया, एंड इसमें से कुछ स्पेशल जो हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी। वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट वॉज डोबे राइनर। ओके, डोबे राइनर, सर जॉन वोल्फगन डोबे राइनर इन 1817। ओके, 1817 इन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन सिमिलर प्रॉपर्टीज, इन्होंने क्या किया एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन या फिर ग्रुपिंग स्टार्ट किया उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, मतलब जिसके प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक ग्रुप में रखा। जब उन्होंने ये ग्रुपिज्म किया, व्हेन ही डिड दिस ग्रुपिज्म ही फाउंड दैट कि इन सम ऑफ द ग्रुप ही हैड सम ग्रुप्स देयर ही वाज हैविंग
दैट वॉज हैविंग थ्री एलिमेंट्स ईच. ओके, उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिसमें थ्री एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ गया, और इसीलिए उन्होंने इस ग्रुप को नाम दिया ट्राइड्स. ओके, ठीक है. नाउ डॉबेराइनर ऑल्सो सॉ फाउंड दैट द थ्री एलिमेंट्स. ओके, वॉट ही सॉ कि जो ये थ्री एलिमेंट्स है इन अ ट्रायड. ओके, फर्स्ट थिंग ही हैज रिटेन दिस इन टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटोमिक मास. उन्होंने इनको कैसे अरेंज किया था, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक मास. इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा. ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक मास में इसको अरेंज किया उन्होंने. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक मास. एंड वॉट ही फाउंड, उन्होंने क्या देखा, क्या नोटिस किया कि द एटोमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट. ओके, जो एटोमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, इट वॉज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द टू एलिमेंट्स. ओके, जैसे अभी ये देखो, ये 14 है और ये 74 है, तो इन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे और इसको 2 से डिवाइड करके एवरेज निकालोगे, तो ये एक रफली मतलब नियर बाय एवरेज था इस मिडिल वाले का. ओके, दैट इज 31. ओके, तो ये उन्होंने देखा, और अकॉर्डिंग टू हिम ही ट्राइड टू डू बेस्ट क्लासिफिकेशन. ही अरेंज द एलिमेंट इन अ प्रॉपर वे. ओके, बट ही कुड आइडेंटिफाई ओनली थ्री ट्राइड्स. ओके, ओनली थ्री ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम. अब डॉबेराइनर ने जब क्लासिफिकेशन किया तो उन्होंने सिर्फ थ्री ट्राइड्स ऐसे मिले कि जो फॉर्म हो रहे हैं, बाकी के उन्होंने नहीं किया. ओके, सो दैट्स वाई द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन टू ट्राइड वॉज नॉट यूजफुल, क्योंकि अभी उन्होंने जितना किया ये इसमें से सिर्फ थ्री ग्रुप्स ऐसे बना पाए, लेकिन बाकी के ग्रुप्स वो नहीं कर पाए. इसीलिए डॉबेराइनर का जो ये था ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, या फिर इट वॉज नॉट यूजफुल. ओके, एंड अगर हम उनकी लाइफ हिस्ट्री देखें तो 1780s से लेकर 1849. ओके, यू कैन सी हियर, ही बॉर्न इन 1718 एंड डाइड इन 1849. ओके, सो ही वॉज अ फार्मिस्ट. ठीक है, ही वॉज अ फार्मिस्ट एंड देन ही बिकेम द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज फार्मेसी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना. ठीक है, एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू मेक द ऑब्जर्वेशन ऑन प्लैटिना एज अ प्लैटिनियम. सॉरी, ओके, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वन टू मेक द ऑब्जर्वेशन अबाउट प्लैटिनियम एज अ कैटलिस्ट. ओके, एंड ही ऑल्सो डिस्कवर्ड सिमिलर ट्राइड ऑफ एलिमेंट विच लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. मतलब जॉन वोल्फगैन डॉबेराइनर की जो कोशिश थी कि ट्राइड में या फिर ग्रुप में एलिमेंट्स को करने के लिए, इसी से लोगों को प्रेरणा मिली कि वो पीरियोडिक टेबल बना सके. अब डॉबेराइनर के अटेम्प्ट के बाद बाकी अदर साइंटिस्ट जो थे, अदर केमिस्ट थे, इनको भी एक एंकरेजमेंट मिला. ओके, दे गॉट द एंकरेजमेंट आफ्टर द डॉबेराइनर्स अटेम्प्ट. ओके, सो दे स्टार्टेड कोरिलेटिंग द एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. ओके, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को कोरिलेट करना स्टार्ट किया, उनको कंपेयर करना शुरू किया, और उनका जो किससे कंपेयर किया, एक तो प्रॉपर्टीज के साथ और उनकी एटॉमिक मासेस के साथ. ठीक है, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जो है हम पढ़ेंगे वो है न्यूलैंड. न्यूलैंड ने एक लॉ प्रेजेंट किया और उसको नाम दिया ऑक्टावेज. ओके, सो ऑक्टावेज, व्हाई ही हैज गिवन दिस ऑक्टावेज और व्हाई ही हैज गिवन द नेम ऑक्टावे, वी विल सी वेरी सून. ओके, तो लेट सी कि जॉन न्यूलैंड, ओके, जॉन न्यूलैंड इन 1866 इन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट्स है इनको अरेंज करना स्टार्ट किया. ओके, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस. उन्होंने वापस से सेम थिंग जो डॉबेराइनर ने किया कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उन्होंने इनको अरेंज किया, और उन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले हाइड्रोजन से. ओके,
ही स्टार्टेड दिस विद द एटम एलिमेंट हाइड्रोजन विच वॉज हैविंग द लोवेस्ट एटमिक मास नंबर. ठीक है, इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन एलिमेंट लिया जिसका सबसे कम एटमिक मास है. ओके, एंड ही एंडेड दिस क्लासिफिकेशन विद द थोरियम. ओके, एंड इट वॉज द 56th एलिमेंट नोन एट दैट टाइम. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स इनका क्या कहना था कि हर 8th एलिमेंट, ओके, एवरी 8th एलिमेंट हैड अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट वन. ओके, इनका कहना था कि जो एलिमेंट्स हैं, जो उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, तो इन्होंने क्या कहा कि हर 8वां एलिमेंट, एवरी 8th एलिमेंट हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन. ओके, तो ये उन्होंने कंपैरिजन किया और इसीलिए उन्होंने इसको क्या कहा कि इस चीज को उन्होंने एक्चुअली कंपेयर किया, ही कंपेयर्ड दिस एज अ ऑक्टावेव्स, ओके, फाउंड इन म्यूजिक. उन्होंने इसीलिए इसको क्या कर दिया कि कंपेयर कर दिया म्यूजिक में जो नोटेशंस होते हैं, जो सा रे गा मा पा जो नोट्स होते हैं, उससे उन्होंने कंपेयर किया और जो वो 8 सरगम होते हैं उससे उन्होंने क्या किया, इस लॉ को या फिर इस थ्योरम को, इसको उन्होंने नाम दे दिया लॉज ऑफ ऑक्टावेज. ओके, इसीलिए उन्होंने नाम क्या कर दिया उसका, लॉज ऑफ ऑक्टावेज. सो दिस इज द बेस्ट कि आप इसमें क्वेश्चन देखो कैसे फॉर्म होगा कि व्हाई न्यूलैंड्स लॉ वॉज कॉल्ड एज अ, और या फिर न्यूलैंड्स थ्योरी वॉज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑक्टावेज. सो द बेसिक रीजन वॉज दैट ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट. ओके, एंड दैट्स वाई ही हैज गिवन दिस नेम. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूलैंड्स ऑक्टावेज. तो अब हम देखते हैं कि न्यूलैंड्स ऑक्टावेज में और क्या क्या आप देख सकते हो. ओके, नाउ इफ यू विल सी इन न्यूलैंड्स ऑक्टावेज द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम. ओके, जो न्यूलैंड्स ऑक्टावेज था इसमें प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम इन्होंने क्या किया, सेम बताया. ओके, ही फाउंड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड सोडियम वॉज सिमिलर. ओके, एंड बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिसेम्बल ईच अदर, ऐसा उनका कहना था. लेकिन ये चीज उन्होंने ऐसा, मतलब उनका कहना था कि जो लिथियम है और सोडियम है इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, ये उन्होंने डिक्टेट किया. तो अब हम देखते हैं कि नोटेशन कैसे थे और इसको कैसे अरेंज किया. ओके, डो रे मी फा सो ला ती. ओके, तो ये इंग्लिश नोट्स हैं और हिंदी में वही नोट्स बन जाते हैं, सारे गामा पाधा नी. ओके, तो इसी म्यूजिकल नोट्स के थ्रू ही उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया. अब इनके इसमें देखो क्या क्या उन्होंने बताया. इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टावेव वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम. ओके, इनके इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी मिले, कुछ ये भी मिले, मेरिट्स भी मिले. तो सबसे फर्स्ट ये मिला ड्रॉबैक में कि जो ऑक्टावेज था ये कैल्शियम तक ही सीमित था, कैल्शियम के आगे ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. ओके, तो सेकेंड थिंग वॉज दैट एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. अब न्यूलैंड्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 8th एलिमेंट को रिजेंबल करता है, एवरी 8th. ओके, तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल हुआ और कैल्शियम के आगे जितने भी एलिमेंट्स है उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं पजेस होती है जो 8th एलिमेंट होता था. ओके, नेक्स्ट ये था कि जो न्यूलैंड के अकॉर्डिंग ओनली उन्हें ऐसा लगा कि नेचर में सिर्फ 56 ही नेचुरल एलिमेंट्स होंगे या फिर सिर्फ एलिमेंट्स होंगे और आगे इन फ्यूचर कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा. ओके, तो इसके बाद अभी हम देख सकते हैं कि 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो 56 में
उस टाइम पर नोन थे। तो ये फिर बाद में ऑक्टावेव, बाद में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहा, ओके, उनके लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं रहा क्योंकि बाकी के एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे। देन इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इन टू हिज टेबल, न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट इन टू सेम स्लॉट। अब क्या हुआ कि उन्होंने अपने मतलब टेबल को, जो उन्होंने सारे गामा पा नोटेशन के हिसाब से कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इन्होंने अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि सॉरी, उन्होंने ये काम किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए कि जो दो को एक साथ ही एडजस्ट कर दिया। अब इसमें ये जो अनलाइक एलिमेंट्स थे, मतलब ये सेम एलिमेंट्स नहीं थे, इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी, ओके, तो ये एक चीज उन्होंने किया। और बाद में दूसरी चीज ये हुई कि पूरा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ओके। सो कोबाल्ट और निकेल, इन्होंने क्या किया, देखो कोबाल्ट और निकेल को एक सेम स्लॉट में रखा जबकि इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, ओके। सो ऑन उन्होंने क्या किया, कुछ चीजें उनकी प्रॉपर वेज में नहीं गई, जहाँ की आयरन को उन्होंने अलग रख दिया था और कोबाल्ट निकेल को अलग, बल्कि आयरन एंड कोबाल्ट निकेल सेम प्रॉपर्टीज पजेस करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये जो थे इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ ये सक्सेसफुल इतना नहीं हो पाया। द नेक्स्ट साइंटिस्ट हु कंटिन्यू टू सर्च फॉर द पैटर्न दैट कोरिलेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मास, एंड दिस साइंटिस्ट वॉज मेंडलीव, ओके। तो हम मेंडलीव के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लें, ओके। टिल दैट थैंक यू।